पता तब चलता है जब आप सत्संग में आते हैं। उसके आए बिना कुछ भी पता नहीं चलता, समझ ही नहीं आती। अब बुराई का कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता, समाज में, वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में, इंसानों में है, कहां है स्कूल बताइए? निंदा करने की हुई कोई ट्रेनिंग कहीं पे? हमारे उठने की देर है देखना सारे नहीं करते, पर थोड़ी थोड़ी तो जरूर आदत सी पड़ी हुई है। वो ना भैंस थोड़ी सी चाट खा के दूध दे देती है, आटा डालते ना ऐसे तो फिर आराम से टिकी रहती है। आप जानते किसान भाई, गौ भैंसों को डालते होते ना वो चाट की आदत पड़ी हुई है। कितना ही समझा ले हम, देखना कैसी बैठी, देखना वो कैसा था। तो आप सारे जानते हो, मेरे आगे सिर कर दिए, बोले जानबूझ के किया ऐसे थोड़ा। अब चाहे उसकी हाइट ज्यादा हो, बेचारी का हो गया भाई, तो आगे निंदा चुगली नहीं पा जाए। आप कितने ही समझा लें, चाट थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, फिर चापलूसी चलती है। अब आपके पास आप बड़े अमीर हैं, राज पहुंच है, बड़ा ओहदा है, तो जी फिर बस पूछो। पंजाबी जी कहते कौली चट, बुरा मनाए भराओ, कोई निकल जाती है बात, मुंह में आया रहती नहीं, पहचान ही नहीं आती। आप कुछ भी बोलो, कई तो ऐसे होते हैं आपके बोल को गिरने नहीं देते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप जो बोल रहे बिल्कुल सही है। हम भी फेस करते हैं ये चीजें, हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं, हम कुछ कहते हैं हाँ जी बिल्कुल। अरे ठीक भाई, अभी तो आधी बात हुई है, हमें पूरी तो कर लेने दे। तो ये चलता है, ये दूसरा ये हो गया। तो क्या चापलूसी की कहीं ट्रेनिंग है? कहीं निंदा चुगली के स्कूल हो, चापलूसी करने के कहीं स्कूल हो, बेईमानी करने के कहीं स्कूल हो, कैसे किसी की जेब काटनी है इसके कोई स्कूल हो? शायद थोड़ी ट्रेनिंग देते होंगे जेब काटने की तो शायद। तो कितनी और बुराइयां हैं, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, मन है, माया है, बहुत सारी चीजें हैं। क्या इनकी ट्रेनिंग है कहीं? नहीं है। ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर रजो तमो सतो गुण है, उनको अवगुण के में बनाते हुए पता नहीं चलता कब। वैसे तो ये गुण है, पर अति हो जाए तो ये अवगुण हो जाती है। तो कहने का मतलब, आज समाज में बुराइयां ज्यादा फैल रही हैं। आपके दिल की बात कह दो तो कहने वाला सही है, दिल की बात नहीं कही तो कहने वाला जहर जैसा लगता है, कड़वा लगता है। पर संत क्या करें, उनका तो काम ही सच बोलना होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी तसीहे दे दे, सच बोलने से संत ना बाज आए थे, ना आए हैं और ना कभी आए। संत ही झूठ बोलेगा तो यकीन किस पे करेगा आम आदमी? हमारे पास कई सज्जन आते थे और कहने लगे, गुरुजी आपके पास आते हैं ना तो एक दिक्कत आ जाती। हमने कहा क्या? कहते हम सोच सोच के बोलना पड़ता है कि गुरुजी के सामने तो कम से कम सच बोलो, सारा दिन तो सबको बेटे बेटे देते रहते हैं, बेटी तो देती। सो बुरा ना मनाना भाई, समझने वाले समझ गए होंगे, हम तो वैसे ही इशारा सा किया है। सो आज समाज में ज्यादातर लोग झूठ के पुजारी हो गए हैं। यहां जरूरत पड़ती है, वहां ही सरका देते हैं। सच तो कभी कभार ही जुबान पे आता है, क्योंकि अपना बिजनेस चलाना है, व्यापार चलाना है। कहते गुरु जी आपको बड़ा पता है, उसके लिए 100-100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लागत मूल्य पे दे रहा हूं तो फिर दुकान कैसे खोल ली इतनी बड़ी, अगर लागत मूल्य पे दे रहा है तो। ना जी मैं तो कुछ भी नहीं लेता जी, हम कौन सा दे रहे हैं गिफ्ट? अच्छा आने दे, नीचे से आ। तो मतलब बुरा, अब कड़वी बात तो कड़वी होती है भाई, क्या किया जाए। ज्यादातर ये चलता है समाज में और चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो इसकी ट्रेनिंग कहां से ले ली? बीच में उस्ताद बैठे होते वहां से तो ले ली होगी, लेकिन क्या इसके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है कोई इन चीजों की? नहीं है ना। पर जब राम नाम लेना होता है तब सत्संग रूपी स्कूल कॉलेज में आए बिना समझ ही नहीं आती सच क्या है और झूठ क्या है। इसलिए बेपरवाह जी ने यही भजनों में समझाया है कि सत्संग में आओ, सत्संग सुनो, विचार करो और अमल करो। आप सुन ली आपने बातें, खुश हो लिए, कड़वी भी लगी होंगी भाई, करारी सी भी लगी होंगी और कईयों को बकबक ही लगी होंगी, लेकिन कईयों को सही लगी होंगी। कई ओपन माइंड होते हैं,
कई नैरो माइंडेड होते हैं, ओपन माइंड वाले को लगता है हाँ यार इसमें कुछ गलत तो कहा नहीं और हमें इसमें कोई लाभ भी नहीं है। यकीन मानिए हमने कोई दुकान नहीं खोली हुई भाई, ये सुनाने के बाद पल्ली बिछाएंगे या आपसे कोई पैसा लेंगे या कोई चंदा काटेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आपके सेवादार चौकीदार नौकर हैं और राम जी से अपनी तनख्वाह ले रहे हैं, और वो भी उनके इश्क की, उनके प्यार की, उनके मोहब्बत की। बस आप उनकी औलाद हैं इसलिए हमारी औलाद हैं। आप बिगड़ते हैं तो हमें दर्द होता है, आपकी तकलीफ आती है तो हमें दुख लगता है, इसलिए हम उस मालिक से दुआ करते रहते हैं हमेशा कि मालिक सबका भला कर, सबका अच्छा कर, किसी का बुरा ना करना। कोई भी क्यों ना हो, चाहे हमें गालियां ही देता रहे, कुछ भी बोलता रहे, हमारी जुबान से कभी भी ये वचन नहीं निकलेगा या तेरा बेड़ा गर्क हो या तेरा ऐसा कुछ हो, हो ही नहीं सकता। हम तो यही कहेंगे कि मालिक तेरा भला करे।